जो मोदी सरकार जो पूंजीपतियों का स्वार्थ को देखने के लिए, अदानी अंबानी के लिए ले उनका स्वार्थ के लिए जो काले कृषि कानून लिए हैं, इसमें क्या खाली किसान मरेंगे? नहीं, मोदी सरकार अभी भी बोल रहा है कि हम हटने वाला नहीं है। इससे बड़ी मैंने क्या कहेंगे, कंडेम निंदनीय हमारे ये बात है, इसको कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। मोदी जी जो किया तुम अभी तो कम से कम सोचो, देखो कि देश तुमको इस बार छोड़ने वाला नहीं है। जी आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, ऐसी लगातार महिलाओं नाल गल कर रहे हैं, आज जेड़े स्टेज ते आ रहे ने अपने विचार सांझे कर रहे ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मैं 26 मानती, मेरी नाम है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIMSS की महासचिव हूँ। और आज ये जो महिला किसान दिवस की जो कॉल है, इसमें हमारा जो संगठन AIMSS एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, देश भर हर प्रदेश में बहुत सारे जगह पे हम लोग ये महिला दिवस, महिला किसान दिवस मना रहे हैं। कहीं जुलूस हो रहा है, कहीं धरना हो रहा है, फिर हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हम लोग लिए हैं। और यहाँ हम दिल्ली आए हैं कि हमारा ऑल इंडिया कमेटी का एक रिप्रेजेंटेशन हर धरना प्लेस में हम लोग जा रहे हैं। और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIMSS की ओर से जो हमारा जो ये एकजुटता है, इसको व्यक्त करने के लिए हम हर स्टेज पे, हर जगह पे हम लोग यहाँ जा रहे हैं, इसलिए हम इधर भी आए हैं। तो जो महिला होती है वो दुर्गा का रूप भी है तो काली का रूप भी है। अब सरकार क्या कर रही है कि मजबूर कर रही है महिलाएं जो हैं वो काली का रूप धारण कर रही है? सुनिए, महिला आज तक मानव समाज के इतिहास में ऐसा बड़ी कुछ मतलब आंदोलन कहो या क्रांति सफल जो हुआ है, महिला का योगदान उसमें जरूर था। और हमारा देश में भी देखिए जो आज़ादी आंदोलन हुआ, इसमें महिला का योगदान बिना ये आंदोलन भी सफल नहीं हो सकता था। इसमें हम जानते हैं दुर्गा भाभी का नाम, जो भगत सिंह के भाभी थे, भाभी जैसे थे, भगवत चरण बोरा की वाइफ, ही वाज आल्सो एन रिवोल्यूशनरी। तो दुर्गा भाभी और इस तरह की भगत सिंह की अपनी माँ भी, उनका अंदर भगत सिंह प्रेरणा दिए थे, विद्यावती जी। और यहाँ देखिए प्रीतिलता बंगाल का, कनकलता बोरुआ जैसे आसाम की हैं, मैं तो उड़ीसा की हूँ, पौरी बेहो वहाँ पे ये किसान रमणी मैंने औरत थी, ये लोग भी जान गवाए थे देश को आज़ाद करने के लिए। तो महिला अगर आगे को आते हैं, इसका मतलब है कि ये आंदोलन जरूर सफल होगा ही होगा। और ये हम इधर मैंने ये आंदोलन में हम देख ही रहे हैं कि देश भर, खाली दिल्ली बॉर्डर में नहीं है, देश भर लाखों संख्या में महिला में इस आंदोलन में उतरे हैं। और आज का जो कॉल है महिला किसान दिवस, महिला ने ही खुद सब कुछ कर रहे हैं, और जो जेंट्स लोग होते हैं ये लोग मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बाहर में हैं, मगर महिला सब कुछ हम कर ही रहे हैं। तो इसी से ही मैं कह रही हूँ, ये जो आंदोलन जरूर मांग हासिल होगा, ये आंदोलन सफल होगा। और ये मैं AIMSS की ओर से मैं कह रही हूँ, खाली नहीं है, दुनिया में जिसका पास में देश में जाइए, सबको ही बोलेंगे कि ये जो मोदी सरकार जो पूंजीपतियों का स्वार्थ को देखने के लिए, अदानी अंबानी के लिए ले उनको स्वार्थ के लिए जो काले कृषि कानून लिए हैं, इसमें क्या खाली किसान मरेंगे? नहीं, किसान तो खाना सबको देता है, तो अगर किसान मरेंगे तो कहाँ से आएगा खाना? तो इसीलिए आज खाली किसान नहीं है, किसानों का साथ विद्यार्थी भी हैं, नौजवान मैंने युवक युवा भी हैं, मजदूर भी हैं, महिला तो हम देख ही रहे ना, सबके हम लोग एकजुट हो गए। तो ये देश में ये बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन, और इसको अभी भी मोदी सरकार, देखिए मोदी सरकार अभी भी बोल रहा है कि हम हटने वाला नहीं है, इससे बड़ी मैंने क्या कहेंगे, कंडेम निंदनीय हमारे ये बात है, इसको कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। और बोलते हैं मोदी जी जो किया तुम अभी तो कम से कम सोचो, देखो कि देश तुमको इस बार छोड़ने वाला नहीं है, तुम जितना भी दलाली करो पूंजीपति होगा, देश की आम जनता तुमको इस बार छोड़ेंगे नहीं, तुमको यहाँ हार मानना ही होगा। और ये किसानों का जो जायज मांग, 3 जो कृषि कानून को रद्द करना, ये तुम्हें करना ही होगा, तुमको करके ही छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
Oh,